नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय के पास मौजूद हैं और एक खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले के ही मांदला मोहाल निवासी एक व्यक्ति जो ड्राइवरी का काम करता है, उसके ऊपर एक 22 वर्षीय युवती को ले जाने का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर करीब 2 से 2.5 घंटे से अभी तक के यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के बाहर लगातार हंगामा चल रहा है। उक्त जो ड्राइवर जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं युवती को ले जाने के, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में उक्त युवती के परिजन आए हुए हैं और उन्होंने अपना यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही जो युवक है उसकी पत्नी जो अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची है, तो उनका भी ये कहना है कि जो उनके पति जो हैं वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही यहाँ पर जो एसडीएम कार्यालय में उक्त युवती के बयान दर्ज हुए हैं, जिसके बाद खंडवा के वन स्टॉप सेंटर पर उक्त युवती को पहुँचा दिया गया है। वहीं यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के भीतर अभी उक्त मामले के अंदर प्रक्रिया की जा रही है। तो ये खबर हम आप तक मौके से पहुँचा रहे हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उमेश सोनी, कहाँ के रहने वाले? किल्लोद। क्या मामला है भैया? पूरा मामला ये है कि इनने लड़की को गुमराह करके भगा को ले गया है। जी, क्या नाम है वो व्यक्ति का? वो व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र। कहाँ का रहने वाले? ये मांदला का है। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर काय के लिए आए हैं? हम ये देखने आए हैं यहाँ पे जगह की मेन चीज, इसकी जब ऑलरेडी 3-3 बीबियां हैं, ये चौथी कर रहा है, तो जब ये तीन तीन चार चार बीबियों की नहीं पाल पाया तो इसको ये क्या पाल लेगा, है ना? और इसके 6 बच्चे ऑलरेडी है। इसमें ये साधु है ना, साधु बुधिया ने किल्लोद थाने में उसके बाप से 50,000 रुपए लिए। इसकी गवाह है उसकी खुद बहू, जिनने ये बोला है कि भैया इनने पैसे दिए हैं और ये दोनों बाप बेटा का काम यही है ना, इनका काम यही है। आपको क्या लगता है इनने किस तरह से पूरे ये काम किया? इनने भेला पुसला को ले गया है। इसकी बाप की, हमने इसको बाप को बुलाया था थाने, इसका बाप आया था, इसके बाद में इसके बाप को है ना हमारे को भगा दिया टीआई ने। टीआई ने बोला तुम घर जाओ, आधा घंटे चैम्बर में बिठाया और आधे घंटे बाद टीआई ने बोला इसको छोड़ के आओ। तो कोई भी मुलजिम को ऐसा ही छोड़ने जाता है क्या घर? आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, थप्पड़ लगाया जबकि यहाँ पे लेडीज पुलिस थी, है ना? ये मुझे बताइए आप थोड़ा सा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम अभी ये चाहते हैं कि ऑलरेडी उसकी 3-3, 4-4 पत्नियां हैं, उनकी जिंदगी तो उनने खराब कर दी, तो हम ये चाहते हैं कि उसको सजा दी जाए और अन्यथा आगे के लिए ये हो कि कम से कम दूसरी लड़कियों की जिंदगी खराब नहीं हो। इससे पहले भी वो ऐसा करता रहा है? इससे पहले इनने 5-6 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। उनकी गवाह उनकी सास है, बहू है, सब है, है ना? छिपावर थाने में रिकॉर्डेड है। आज अभी आप यहाँ पर आए थे तो आपने क्या? हम इंसाफ के लिए आए हैं कि ऐसा कानून आपका है कि ऑलरेडी 4-4 बीबियां होने के बाद 5वीं शादी तुम करवा दोगे? अभी 4 बीबियां कहाँ रहती? अलग अलग रहती। एक छनेरा में 2 बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ ये है, ऑलरेडी 2 को छोड़ चुका है ये। और आपकी बार उन्होंने क्या किया? आपकी बार इनने किल्लोद से लेके आया लड़की। कितने वर्ष उम्र है वो लड़की? उसकी 45 वर्ष उम्र है, लड़की की 22 वर्ष उम्र है। और वो लड़का मांदला का है, उसके ऑलरेडी 5-6 शादी हो चुकी है। एक वाइफ उसकी छनेरा में, 2 बच्चे वहाँ पे, 4 बच्चे यहाँ पे, एक उनके पेट में, और 2 वाइफ थी उसकी, उनका उन्होंने इसके ऊपर केस लगा दिया। और इसके गांव वालों से, रिश्तेदारों से पता चलता है कि इसके मतलब ये जादू टोना करवाता है, भेला पुसला के लड़कियों को ले जाता है। पहले भी इसने कई लड़कियों को भगा दिया है और ये है 45 साल का और लड़की है 22 साल की, मतलब 23 साल का फर्क है सर। तो आज आप यहाँ पर आए हैं तो आप क्या मांग करते हैं? सर हम इंसाफ मांग रहे हैं। आज जैसे आज इनकी हालत है, कल से वही हालत मेरी सिस्टर की होगी, क्योंकि इनकी भी लव मैरिज थी, इनकी भी लव मैरिज थी, कल से इनकी हालत भी यही होगी। कल से वो दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, ऐसा होने देंगे क्या? और पहली बात, अपने हिंदू धर्म में दूसरी शादी का रिकॉर्ड है ही नहीं और इसके तो 4-4, 5-5 शादी हो चुकी है। इस पे केस होना चाहिए, इसको अंदर होना चाहिए ना कि ये बाहर, कानून ऐसा बनना चाहिए। अभी मेरी दीदी की शादी नहीं हुई है और ना ही इसकी इनके साथ हुई है, बाकी उसकी 4-4, 5-5 पत्नियां हैं। 15 दिन से भगा के लाया है। जेल की बोल रहे हैं यहाँ से? अभी क्या बोला गया आपको? यहाँ से अभी यही बोला गया है कि हाँ ठीक है, उसको जेल में डालेंगे अंदर।
शादी नहीं हो पाएगी। अब डालते हैं कि मेरा नाम सविता है, मैं मांडला की रहने वाली हूँ। मेरा घर वाला दूसरी लड़की को लेके भागा है, मेरी चार चार लड़की है, जिंदगी खराब करके जा रहा है ये मेरी। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चे उनको कहाँ पालूंगी, क्या करूंगी, आप बता सकते हो? आप मेरे को नहीं दिला, बस कुछ नहीं जानती हूँ। पैसे मेरे ससुर ने पैसे दे, आगे लेके पैसे दिए सब, 50,000 रूपए किसको दिए? साधु को, साधु पुलिस वाले को। तो ये आपके जो हस्बैंड है वो क्या इस तरह का काम करते रहते हैं? इस तरह से वो फोन पे बात करते रहते थे कुछ ना कुछ। मैंने उनको बहुत समझाई, लड़की उनको भी समझाई, गन लड़की उन समझ गई। वो हमेशा ऐसे ही काम करता रहता था। उनकी और भी पत्नियां हैं क्या जैसा बता रहा है? एक छनेरा में होगी, पर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं मालूम, पर मेरे को मालूम पड़ा है। आप शादी तो मेरे को शादी तो नहीं करा, पर हाँ आप पता चला कि ये शादी कर रहा है। कितनी लड़कियों से संबंध? संबंध उसकी गन लड़की है, जो मिल जाती है उससे बात करता था। नाम क्या करता है? ड्राइवर, गाड़ी चलाता, बस चलाता है। घर से बोल के क्या निकला था? आपको पता था कि मुझसे शादी करने जा रहा है? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी बस। जब पुलिस वाले गए, जब मेरे को पता चला कि ये भक्के गए। अभी आपने छोटे छोटे चार बच्चे हवाले करने की कोशिश की उनके, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया? वो मेरे से कह रहा, बोले मैं मरना कबूल करूंगा पर तेरे को रखना कबूल नहीं करूंगा। अच्छा। तो आप बता सकते हो मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो आपने बच्चे इनको क्यों दिए? रखेगा बच्चे पैदा करे, मैं कमा सकती हूँ, खिला सकती हूँ उनको। मेरी चार लड़की लड़की है, कोई लड़का नहीं मेरा, कि आगे मेरे को सहारा दे सके।